अब हम आ गए हैं स्पाइनल कॉर्ड वाले टॉपिक पे। सी बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपने पढ़िया था कि ये सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक होता है। ग्रे मैटर इज ऑन द इनर साइड एंड व्हाइट मैटर इज ऑन द आउटर साइड। स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक। सी मोस्ट ऑफ आर रिफ्लेक्सेस आर बिलो द नेक ओनली। अगर कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन अबव द नेक इन अवर फेस और फेस और हेड पार्ट में हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्स के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वी नो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कि जो स्पाइनल कॉर्ड की पोजिशन है दैट इज बिलो द नेक। इट कंडक्ट्स सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द स्किन and muscles to the brain. हमारा जो spinal cord है वो sensory impulses carry करता है skin से muscles को and then muscles से brain को. It conducts motor responses from brain to muscles of trunk and limbs. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंसरी क्या होती है? जो भी इम्पल्स सेंस ऑर्गन ब्रेन को भेजता है दे आर द सेंसरी इम्पल्सेस। जो भी इम्पल्स ब्रेन किसी सेंस ऑर्गन को भेजता है उसको हम बोलते हैं मोटर इम्पल्सेस। तो ऑफ कोर्स कि स्पाइनल कॉर्ड ही ये काम करता है। व्हाई? बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है तो इट हेल्प्स इन पासिंग द मैसेज फ्रॉम एंड टू द ब्रेन। Now, in this diagram, you can see it, कि ये हमारे receptors हैं जो skin में होते हैं and suppose करो these are our effector muscles. तो जो हमारा spinal cord है basically, it is a pathway, वो लेके जा रहा है message, लेके जा रहा है तो it is the sensory impulse क्योंकि skin ने sense किया एंड लेके आ रहा है तो इट इज द इफेक्टर मोटर इम्पल्स जो ब्रेन से आ रहा है। ठीक है? एंड दिस इज अवर इफेक्टर मसल, सॉरी इफेक्टर मसल एंड दिस इज अवर इफेक्टर मसल। ठीक है? इफेक्टर मसल। नाउ उससे आगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज peripheral nervous system. The peripheral nervous system consists of nerves which carry impulses to and from the central nervous system. Basically, peripheral nervous system में somatic nervous system है and autonomic nervous system है. इसकी मैं आपको एक और दिखाती हूँ diagram that will be more clear to you. देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमें पता है कि वी हैव द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा सेंसरी सिस्टम आता है एंड द मोटर सिस्टम आता है। ठीक है? सेंसरी मीन्स द सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर मीन्स द डिफरेंट। नाउ इस पेरिफेरल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Further, see, somatic nervous system sends information from the CNS to the skeletal system to move the body. Okay? ये CNS से motor जो motor है वो तो हमें पता है कि brain है। brain is sending the message to different organs of our body. तो इसको दो parts में divide किया गया है। The first one is the somatic nervous system. It sends the information from the CNS to the skeletal system to move the body. तो ये central nervous system से skeletal system से पहुंचता है, skeletal system तक पहुंचता है, so that हमारी जो body movement है वो हो जाए। Autonomic nervous system क्या होता है? Autonomic nervous system sends information from the CNS to the smooth muscles. समझ आई आपको ये बात? इसमें हमारी कार्डियक मसल्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं। स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इसमें दो टाइप्स क्या आती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
Sympathetic nervous system sends signal to all parts of the body, including the skin. And parasympathetic nervous system sends signals to mainly the viscera of fat thorax and abdomen. अब देखो, parasympathetic and sympathetic system में क्या है? Basically क्या है? See, parasympathetic and sympathetic system है. These two are working against each other. It constricts the pupils. It dilates the pupils. It stimulates the saliva. It inhibits the saliva. Okay, it slows up the heartbeat. It increases up the heartbeat. It constricts the airways. Constrict the airways मतलब जो हमारी lungs, bronchi and bronchioles हैं उनको constrict करता है. And they relax the airways. Then it stimulates basically the parasympathetic nervous system है जो it is known for its activity of stimulation and contraction because it constricts the pupils and stimulates the other organs like gallbladder, you know, salivary glands, activity of intestines, airways and heartbeat basically. So on the other hand, you can see that the sympathetic nervous system is opposite of the parasympathetic nervous system. Inhibit the activities of stomach, inhibit the gallbladder, inhibit activity of intestines, secrete epinephrine and norepinephrine. See, it contracts the bladder. It contracts the bladder for urination. And these epinephrine and norepinephrine are known to increase and control basically our urinary, our urine formation and our excretory system. So if a question arises for that, what part of the brain secretes epinephrine and norepinephrine, you have to write the sympathetic nervous system. On the other hand, with the as you know ki parasympathetic system contract karta hai bladder ko, to sympathetic nervous system kya karega, relax karega bladder. Now students, you can see that our peripheral nervous system, basically the motor nervous system, jo hai, it consists of the somatic nervous system and the autonomic nervous system. Autonomic nervous system controls all the involuntary muscles and somatic nervous system controls our skeletal muscles. Sympathetic and parasympathetic nervous system are those systems that are acting opposite to each other. Now, the somatic nervous system is made up of 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. ठीक है? Basically, जो हमारा somatic nervous system है, जो skeletal system को control करता है, that is made up of 24 plus 62 is equals to 86 nerves. And the cranial nerve is the one that emerged from the brain, and the spinal nerves originate from the dorsal and ventral roots of the spinal cord. We have two types of nerves, the cranial nerves to brain se nikalte and the spinal nerves to spinal cord se nikalte. Okay. Now, let us come to read about coordination in plants. The movement of a plant in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called the nastic movement. Basically, the nastic movements are the non-directional movement. Nastic movement ki example are
देखो फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स एंड पेटल्स है ना, वो नास्टिक मूवमेंट शो करती हैं। डेजी फ्लावर्स क्लोज एट डस्क एंड ओपन एट डे ब्रेक। ठीक है, डेजी फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो रात को बंद हो जाता है एंड सुबह खुल जाता है। This may be referred to as sleep movements. This response, however, should not be confused with thigmotropism, as the folding of leaves is always occurring in the same direction, irrespective of the direction of the stimulus. देखो stimulus किस साइड पे हो रहा है ना, और response किस साइड पे हो रहा है, this is not fixed. कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा उस डायरेक्शन में हमारा रिस्पांस होगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नाउ नेस्टिक मूवमेंट जो होती है ये दो टाइप की होती है। प्लांट्स हैं, देखो प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं, उनमें बेसिकली कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट उनमें जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इन वन वे और द अदर दे शो सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो हमारा नास्टिक मूवमेंट है बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स। फोटोनास्टी इज अ नास्टिक मूवमेंट टू द डार्क एंड द लाइट फेजेस ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ऑफ प्राइमोस ब्लॉसम ड्यूरिंग द इवनिंग, जब इवनिंग हो जाती है तो ब्लॉसम कर जाते हैं, ड्यूरिंग डे वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। निट्टी नास्टी बिल्कुल एज इन द डेजी फ्लावर्स। ठीक है, डेजी में क्या होता है, डेजी में वो रात को बंद हो जाते हैं एंड सुबह खुल जाते हैं, बट प्राइमोज में क्या हो जाता है, प्राइमोज इज अ 4 o'clock प्लांट बेसिकली, वो रात वो इवनिंग में क्या करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, डे टाइम में वो क्लोज रहते हैं। निट्टी नास्टी इज अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू डार्क लाइट के, जो लाइट को लेकर रिस्पॉन्स है दैट इज फोटोनास्टी, एंड निट्टी नास्टी इज द रिस्पॉन्स in response to dark. Certain part of plants such as leaves and flowers take up a different posture at night than in the day. Leaves of rain tree fold by nightfall. देखो light dark को लेके कोई response होता है, plants अपनी position को change कर लेते हैं, या एक सर्टेन काइंड ऑफ स्लीप रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं निक्की नास्टी। कि जो डार्क स्टिमुलेट करे, जो नास्टिक मूवमेंट डार्क स्टिमुलेट करे दैट इज निक्की नास्टी, जो लाइट स्टिमुलेट करे दैट इज फोटोनास्टी। ठीक है, द अदर थिंग इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ये या तो स्टिमुलस की तरफ होगी या स्टिमुलस से ऑपोजिट होगी। सिंस द ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो द स्टिमुलस नीड टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर टाइम फॉर द इफेक्ट्स टू बी नोटिस्ड। ठीक है, अब देखो प्लांट्स उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो उनमें कोई मतलब कि जल्दी जल्दी वाला काम भी नहीं होता। हमें तो नर्वस सिस्टम होता है, हमें न्यूरो रिसेप्टर्स भी होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स भी होते हैं। इसी वजह से जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बुलाता है तो स्टूडेंट भाग के चला जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ फोटोट्रॉपिज्म वाला, आपको पता है कि ये जो फोटोट्रॉपिज्म वाला है दैट टेक्स टाइम। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा मैम एक घंटा हो गया आप फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हो, ये प्लांट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, कि एक सीडलिंग को ग्रो करने में टाइम लगता है, इट इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, तो यू हैव टू गिव अ कंटिन्यूड केयर एंड विद योर पेशेंस एवरीथिंग विल हैपन। नाउ सी फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट। ठीक है, और अवे फ्रॉम द लाइट। सी द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स or away from light is termed as phototropism, because shoots of most plants grow towards the source of light. It is termed as positive phototropism. Roots grow away from light, they are known as the negative phototropism.
तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक प्लांट नेगेटिव पार्ट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ द प्लांट, बताओ, दैट मीन्स रूट्स, ठीक है, एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ द प्लांट that means shoot, okay, same as in the case of photo